नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। जिस घर से बेटे की बारात निकलती, उसी घर से निकल गई पिता और इकलौते बेटे की अर्थी। शादी की खुशियां बदल गई मातम में। आखिर क्यों एक सरकारी अध्यापक ने अपने इकलौते बेटे की शादी से ठीक पहले कर लिया आत्महत्या? आखिर क्यों पिता की मौत के ठीक 3 दिन बाद जिस पुत्र की शादी होनी थी वो जंगल में झूल गया फंदे से? क्या ये एक इत्तेफाक है या किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा? क्या बाप बेटे को कोई परेशान तो नहीं कर रहा था? आज की सलाखों में कहानी उस मां की जिसने खो दिया अपने पति और पुत्र को। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक पिता अपने बेटे की शादी के लिए कई सपने देखता है। एक पिता ही है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो जिंदगी भर मेहनत कर उनको लायक बनाता है। लेकिन क्या होगा जब एक पिता अपने इकलौते पुत्र की शादी से ठीक 8 दिन पहले अपने फार्म हाउस पर फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है? ये हादसा परिवार के लिए क्षति थी। पिता की अस्थियां अभी हरिद्वार भी नहीं पहुंची थी कि ठीक 3 दिन बाद जो इकलौता पुत्र पिता के सारे कर्म कांड करके मृतक पिता को मोक्ष दिलाता, उसी ने जंगल में जाकर पहाड़ियों के बीच फांसी लगाकर परिवार को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो लाश भीमराम के पुत्र अंकित की होती है। ये मामला है राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर तहसील में केशवा गांव का, जहां एक अध्यापक भीमा राम का एक कृषि कुआ अमरापुर गांव में है, जहां अपनी पत्नी और बेटे के साथ कई वर्षों से रह रहे थे। अध्यापक भीमा राम के पुत्र की 15 जून को शादी होने वाली थी, लेकिन ये शादी की खुशियां शायद खुदा को मंजूर नहीं थी और 6 जून को भीमा राम ने अपने फार्म पर बने मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अध्यापक भीमा राम आत्महत्या की घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर रेवदर डिप्टी और मंडार थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतार कर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक अध्यापक भीमा राम के पास एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे घर पर मेरे बच्चों की शादी होने के कारण मुझे कुछ तैयारियां नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी वर्तमान में कोविड-19 रायपुर में होने के कारण मुझे छुट्टियां नहीं मिलने के कारण मैं परेशान हूं। मेरी मौत में मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है, कृपया मेरे परिवार को परेशान नहीं करें। इधर इस मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य और उपखंड अधिकारी का कहना है कि भीमा राम ने छुट्टी के लिए कोई आवेदन नहीं किया। वहीं परिवार के सदस्य व अन्य परिजनों का यह भी कहना है कि भीमा राम ने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें हेडलाइन व हस्ताक्षर भीमा राम की लेखनी से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमें शक है कि सुसाइड नोट की निष्पक्ष जांच की जाए। अभी तक अध्यापक भीमा राम के मरने के कारणों का पता भी नहीं चल पा रहा था। परिवार वाले भी भीमाराम के लिखावट से साफ साफ इनकार कर रहे थे कि यह लिखावट उसके नहीं है, और साथ ही विद्यालय के प्राचार्य और उपखंड अधिकारी भी साफ साफ बोल रहे थे कि भीमाराम ने तो छुट्टी मांगी ही नहीं। पुलिस अब इन सवालों के उत्तर ढूंढने में लगी हुई थी। आखिर
सच्चाई क्या है। अचानक पुलिस स्टेशन में फोन आता है कि जंगल में एक पेड़ से लाश लटकी मिली है। फिर क्या, आगे दिखाते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में। इधर अध्यापक भीमाराम आत्महत्या के मामले का खुलासा होना बाकी था और पुलिस द्वारा जांच भी जारी थी कि अचानक एक नया मोड़ आ गया। बुधवार देर शाम को भीमाराम के पुत्र अंकित ने भी अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर केसवा पहाड़ी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। जानकारी मिलने पर सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद व एसपी कल्याणमल मीना तथा रेवदर व मंडार थाना अधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा परिवार को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। पिता के बाद पुत्र ने भी आत्महत्या करने पर गांव में शोक की लहर छा गई और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। पुत्र द्वारा आत्महत्या करने पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर क्या कारण था जो पिता की आत्महत्या के बाद बेटे को भी आत्महत्या करनी पड़ी। हालांकि कुछ तो कारण होगा, जो पिता की मौत के तीसरे दिन बाद ही पुत्र ने भी आत्महत्या कर 21 साल की उम्र में अपनी जिंदगी के अधूरे सपनों को हमेशा हमेशा के लिए खुद को खत्म कर लिया। अब सवाल कई उठते हैं, क्या भीमाराम की किसी से कोई अनबन तो नहीं थी जिससे वो परेशान कर रहा हो और तंग आकर उसने आत्महत्या करके मौत को गले लगा लिया हो, या फिर जिस पुत्र की शादी होने वाली थी उसके अतीत से जुड़ा हुआ कोई मसला तो नहीं। खैर, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, मौत के कारणों का भी पता लगाना बाकी है। मौत के कारणों का भी सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात जो अंतरात्मा को हिला देने वाली है, भीमाराम के परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। भीमाराम की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी और एक 19 साल की बेटी है। भीमाराम का इकलौता बेटा अंकित, लेकिन अंकित ने आत्महत्या कर भीमाराम का नामो निशान मिटा दिया। इधर पिता और पुत्र द्वारा आत्महत्या करने से माँ और बेटी का रो रोकर बुरा हाल है। जैसे अपने पति और पुत्र की याद आती है तो घर के एक कोने में बैठी माँ विलाप कर रोती है, तो हर किसी की आंखों में आंसू नजर आते हैं। आसपास के लोगों से अब एक नई जानकारी हासिल हुई, यह फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का मामला कोई नया नहीं है। जी हां, चौंकिए मत, दरअसल भीमाराम के दोनों बड़े भाइयों ने भी कुछ इसी तरह से अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली थी। यह घटना परिवार में चौथी बार हुई है। इधर इस संपूर्ण मामले में अन्य लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि भीमाराम के दो बड़े भाइयों ने भी कई सालों पहले आत्महत्या कर ली थी और इस तरह की घटना इनके परिवार में चौथी बार हुई है। अध्यापक भीमाराम आत्महत्या की कहानी कुछ अजीबोगरीब है, क्योंकि पहले पिता ने आत्महत्या की और 3 दिन बाद एकाएक पुत्र ने भी आत्महत्या कर अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। अब देखना यह हुआ कि आखिर पुलिस और प्रशासन इस मामले की वास्तविक हकीकत के पीछे कहां तक जाती है और इसमें बहुचर्चित आत्महत्या प्रकरण का राज किस तरह से खोलकर एक गरीब और असहाय परिवार को न्याय मिलता है, यह तो पुलिस की कार्रवाई के बाद आने वाला समय ही बताएगा। सत्यमेव न्यूज के लिए रेवदर से विक्रम रावल की खास रिपोर्ट। इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गांव वाले और परिवार को इस जांच का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इस मौत की गुत्थी क्या है। आप भी अपने आसपास सजग रहिए, सतर्क रहिए। अगली बार एक ऐसी ही स्टोरी हम आपके सामने दोबारा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।